कांग्रेस में अभी तक अपनी हार को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस में एक और कमेटी बनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की तरफ से 8 सदस्यों की कमेटी की आज बैठक हुई और वो बैठक खत्म हो चुकी है। ये कमेटी कांग्रेस की हार के कारणों का पता लगा रही है, हार को लेकर समीक्षा की जा रही है और पहली बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली में बैठक हुई थी। करण दलाल उस कमेटी के चेयरमैन है जो उदय भान की तरफ से बनाई गई है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अब 9 नवंबर को कांग्रेस की समीक्षा कमेटी दूसरी बैठक करेगी। हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है प्रदेश के अंदर, जिसमें 8 लोग हैं। करण दलाल उसके चेयरमैन बनाए गए हैं, आफताब अहमद उसमें शामिल है, वीरेंद्र राठौर उसमें शामिल है, जयवीर वाल्मीकि उसमें शामिल है, मनीषा सांगवान उसमें शामिल है, वरिंदर बुल्ले शाह उसमें शामिल है, केसी भाटिया उसमें शामिल है। और ये सभी लोग ये पता लगा रहे हैं कि हम हारे क्यों। इसको लेकर अब 9 नवंबर को सभी हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशियों से भी चर्चा की जाएगी। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए हैं, चुनाव में अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं, गड़बड़ी के भी आरोप लगाए गए। हमारी मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि हम आने वाली 9 तारीख को जितने भी हरियाणा के हारे हुए चुनाव प्रत्याशी हैं उन सबको हमने यहाँ दिल्ली में बुलाया है 12 बजे, और हम उन सब से विधानसभाओं की जानकारी लेंगे कि उनके क्षेत्रों में उनको कहाँ कहाँ ये लगा कि चुनाव में धांधली हुई है, कहाँ ईवीएम का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ अधिकारियों का दुरुपयोग नज़र आता है, कहाँ जो सरकार ने अपने सरकार के पदों का उन्होंने जो मिसयूज किया, तो उन सारी बातों को आने वाली 9 तारीख को हम तमाम विधानसभा प्रत्याशियों से बात करेंगे। तो आज सवाल इस बात का है कि जो भय और डर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय में बना करके अधिकारियों का दुरुपयोग करके मशीनों के अंदर क्या हो रहा है, तो हम सभी प्रत्याशियों से जानकारी लेंगे और उनका फीडबैक लेने के बाद, वकीलों के साथ राय करने के बाद जो भी बात कहेंगे जिम्मेवारी से कहेंगे, और उसके लिए हमें अदालत में जाना पड़ा हम अदालत में जाएंगे, इलेक्शन कमीशन में जाना पड़ा इलेक्शन कमीशन में जाएंगे, और अगर जन समर्थन के लिए लोगों के पास जाना पड़ा तो हम उस कदम से भी पीछे नहीं हैं। राजा पटेल हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। राजा, कब ये बैठक खत्म हुई और कौन कौन लोग थे, क्या कोई ऐसा भी था जो इस कमेटी का सदस्य और वो बैठक में शामिल नहीं हुआ हो? यहाँ पर तो इन्होंने कहा है करण दलाल ने कि वो जन समर्थन के लिए भी कोशिश करेंगे, जहां भी उनको जाना होगा जाएंगे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के कई विधायक सवाल उठा रहे हैं कि कमेटी ही गलत तरीके से बनाई गई। और बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से जो कमेटी बनाई गई है, एक बड़ी बैठक आज कमेटी की जो है दिल्ली में देखने को मिली है। कमेटी की समीक्षा बैठक पे जो पूर्व मंत्री हैं करण दलाल, क्योंकि वो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी अध्यक्षता में बैठक थी। सभी जो मेंबर हैं वो बैठक में मौजूद रहे थे। हालांकि 2 से 3 जो मेंबर हैं उनको उनकी विधानसभा में कोई निजी काम की वजह से वो जरूर मीटिंग से पहले ही खत्म होने से पहले ही चले गए थे, पर सभी जो मेंबर्स हैं वो मीटिंग में मौजूद रहे थे। पर काफी ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बैठक के बाद जिस तरीके से करण दलाल ने बयान दिया कि आगामी 9 तारीख को, 9 नवंबर को वो सभी जो हारे हुए प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके साथ 1-to-1 बातचीत करेंगे कि उनकी विधानसभा में किस तरीके की दिक्कतें रही, क्या कारण हार का रहा, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनका साथ नहीं दिया। तो सभी जो एक रिपोर्ट ये कमेटी तैयार करेगी सभी जो प्रत्याशी हैं उनके साथ 1-to-1 बात कर। वहीं उन्होंने जो शमशेर सिंह गोगी पूर्व विधायक, जो कि बड़े आरोप कमेटी के ऊपर उन्होंने लगाए कि सभी हारे हुए प्रत्याशियों की कमेटी में शामिल कर लिया गया, उसको लेकर भी वो बोले कि इसमें जो कमेटी में हमारे विधायक भी हैं आफताब अहमद और अन्य जो विधायक हैं, 2 से 3 विधायक हमने इस कमेटी में ले रखे हैं, तो शमशेर सिंह गोगी हमारे सीनियर नेता हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर भी कटाक्ष किया कि जिस तरीके से चाहे ईवीएम की गड़बड़ी की बात कर लें, बीजेपी ने अपने तंत्र का दुरुपयोग किया है। और एक बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि यदि हमें
कोर्ट जाना पड़े, पहले तो हम अपने सभी प्रत्याशियों से बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके हारने की मुख्य वजह क्या है, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट तैयार करने के बाद हम अपने वकील जो है उनसे बातचीत करेंगे, और हमें कोर्ट यदि अदालत का दरवाजा भी खटखटाना पड़े तो हम अदालत भी जाएंगे। ये बड़ी बात जो कमेटी के अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं करण दलाल, वो बैठक के बाद उन्होंने कही, और जाहिर तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो सीनियर नेता हैं हम उनसे भी राय मशवरा करेंगे और एक अच्छी रिपोर्ट हम तैयार कर और हमें लोगों के बीच भी जाना पड़े, जनता का समर्थन भी जुटाना पड़े, वो भी हम जुटाएंगे। जी पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। अब सवाल यहां पर यह है कि कांग्रेस के नेता करण दलाल जो उस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो हार की समीक्षा करेगी, उस कमेटी की आज बैठक हुई,